जी मैं हूं बाबर अली एनबीटीवी 92 के साथ और इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके कुरंगी की पीएनटी सोसाइटी में, जहां पर एक जामा मस्जिद फैजान बिलाल वाक़े है और इसके जो चेयरमैन हैं मोहम्मद नाजिम खान, और उनके बारे में ये भी मैं बताता चलूं कि वो अब्दुल समी खान वेलफेयर ट्रस्ट के भी चेयरमैन हैं। यहाँ पर सालाना तकमील कुरान की महफिल मुनक़द की जाती है, इनके साथ जो है वो दीगर भी कमेटी के मुंतज़मीन भी शामिल हैं। सख्त है सूद वसूल करने में, तो अपनी सुई भी किसी को नहीं छोड़ते थे, अपनी सुई भी किसी को ना छोड़े, इतने सख्त सूदखोर थे। एक औरत के दरवाजे पर गए, ठक ठक ठक, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, हबीब पैसा लेने आया हूं, सूद का पैसा दो। अंदर से बीबी ने आवाज दी, ना मेरे पास कुछ खाने को है, ना पीने को है, ना मेरा मियां घर पे मौजूद है, बराए मेहरबानी अगले हफ्ते या अगले महीने आकर ले लीजिएगा, कुछ नहीं। आपने फरमाया मैं दरवाजे पे बैठा हूँ, जो कुछ है दो, वरना मैं नहीं जाऊँगा।
बहरहाल उस औरत ने घर में रखी हुई बकरी की एक सीरी थी वही उठा कर दी हबीब लेकर, वो भी घर पे आए और बीवी को कहा पकाओ मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रास्ते में से गुजर रहे थे, देखा छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, बच्चों का एक कैप्टन होता है, बाकी 11 बच्चे जिस तरह 12 बच्चे खेलते हैं, तो एक बच्चा जो उन बच्चों का कैप्टन था वो बाकी बच्चों को कहता है रुक जाओ कोई भी नहीं खेलेगा, सब साइड पे हो जाओ। बच्चों ने कहा कि क्यों ना खेले, कहा हबीब जहन्नुमी जा रहा है, अगर खुदा ना खास्ता इस हबीब जहन्नुमी के कदमों से उठने वाली खाक हम पर पड़ गई तो कहीं हम भी जहन्नुमी ना हो जाए। कुर्बान जाइए उस दौर के बच्चों पर भी, बसीरत और बसारत देखिए उस बच्चे की, कि वो कहता है बच्चा ये खेलना बंद करो मैदान में से बाहर आ जाओ, हबीब को मैदान में से गुजरने दो, अपने काम से जा रहा है, कहीं इसके कदमों की हाक उड़े और हम पर आए, ये सूद खोर है तो कहीं ऐसा ना हो हम भी जहन्नमी हो जाएं। ऐसी दिल पे लगी, दिमाग पे लगी बात, आपके अंदर एक हलचल मच गई कि दुनिया में ये छोटे छोटे बच्चे भी हबीब को जहन्नमी पुकारने लग गए हैं। बस मन ही मन में रब की तरफ तवज्जो शुरू हो गई, अब जिस्म भी आ गई और रूह भी आ गई एक साथ, अब अल्लाह की बारगाह में कहने लगे मालिक मखलूक की जुबान पर तूने हबीब के लिए जहन्नमी जारी कर दिया, मालिक करम कर। अब मन मन में रोने लगे, दो नफिल पड़े, अल्लाह की बारगाह में तौबा की और वापसी घर की तरफ जाने लगे, उसी मैदान में वही बच्चे वही खेल रहे थे, तो बड़ा बच्चा जो उनका लीडर है कैप्टन है कहता है रुक जाओ कोई नहीं खेलेगा। बच्चों ने कहा अब क्यों नहीं खेले, कहने लगा ऐसा ना हो कि तुम्हारे कदमों की खाक उड़कर हबीब के वजूद पर चले जाए, वो जन्नती है तुम जहन्नमी ना बन जाओ। थोड़ी सी देर में बदल गई बात, थोड़ी सी देर में बात बदल गई, थोड़ी देर पहले बच्चे के मस्जिद फैजान बिलाल की कमेटी की जानिब से आप तमाम दोस्तों को खत्म कुरान मुबारक हो, उन बच्चों को जिन्होंने एहतिकाफ किए 10 रोज़ा एहतिकाफ किया अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए, अपने घर को अपने माँ बाप बहन भाइयों छोड़कर अल्लाह के घर में 10 दिन के लिए बैठ गए मगफरत के लिए, अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए इन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, इन्हें दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उन बच्चों को जिन बच्चों ने तकमील कुरान किया मदरसा मैदान बिलाद से, माशाल्लाह 17 बच्चे इस मरतबा कुरान पाक की तालीम हासिल करके निकले हैं, उनको अभी जोड़े भी दिए जाएंगे, शील भी दी जाएगी माशाल्लाह से, तो मैं उन बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बच्चे यहाँ मौजूद हैं, जामा बच्चे फैजान बिलाल की कोशिश कमेटी की कोशिश ये रही है कि आपके लिए जो है नमाजियों के लिए आसानी पैदा करें, तो नमाज इस साल भी हमने अभी तलर का काम करवाया और दूसरे काम हमने करवाए। आइए हम नाजिम साहब से बात करते हैं कि आज की तकरीब के हवाले से वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जामा मस्जिद फैजान बिलाल PMT सोसाइटी में खत्मुल कुरान था और हमारे 17 बच्चों ने जो है यहाँ पर कुरान पाक नादरा ख़त्म किया, उनको तकसीम असनाद दी गई, जोड़े वगैरह और शील्ड दी गई, और हमारी बच्चियों ने भी बताता चलूँ हमारा बच्चियों मदरसा भी लगता है उनकी तकसीम असनाद जो है ईद के बाद होगी, क्योंकि रमज़ान में बच्चियों की मदरसे की छुट्टी होती है। मदरसा ज़ुबैदा रशीद से हमारे 7 बच्चियों ने कुरान पाक की तालीम हासिल की है ना, और माशाल्लाह कम्प्लीट की है। अल्लाह ताला उन बच्चों को नेक बनाए, बामल बनाए। और हमारे आज हाफिज़ अब्दुल रज़्ज़ाक साहब ने 27 रोज़ा तरावी पढ़ाई, माशाल्लाह 10 साल से वो माशाल्लाह तरावी यहाँ पढ़ा रहे हैं, मुसल्ला पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे अंदाज से कुरान उन्होंने पढ़ाया, हमारे कुरान के नूर से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाया। और हमारे अल्लामा अब्दुल्ला साहब ने कुरान का तर्जमा तफसीर बयान की, बड़े अच्छे अंदाज से मुतदिल अंदाज से कुरान का तर्जमा तफसीर बयान की, अल्लाह ताला इनके इल्म में अमल में बरकतें अता फरमाए। और इसमें जो है कहते हैं फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ की गई कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के शहदा की मगफरत फरमाए, जो फ़लस्तीन के मुसलमान ज़ख्मी हो गए हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जो फ़लस्तीन के मुसलमान दुश्मनों से बरसरे पैगार हैं अल्लाह ताला उनको फ़तह नुसरत नसीब फरमाए, और जो मुसलमान बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जो दुनिया से मगफरत दुनिया से पर्दा फरमा गए अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। तमाम महरूमीन के दुआ की गई, पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की गई कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामती नसीब फरमाए,
पाक फौज के लिए दुआ की गई और पाकिस्तान की मईशत के लिए दुआ की गई कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको नेक और एक बनाए और अपने मुल्क की कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, फैज़ान-ए- बिलाल मस्जिद में खत्म कुरान का सिलसिला हुआ। पिछले साल की तरह इस साल भी बेहतरीन अंदाज से इस खत्म कुरान की महफिल को आखिर तक पहुँचाया गया और हमारे कारी अब्दुल रज़ाक साहब माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आवाज़ में पूरा 27 दिन हमें कुरान पाक इन्होंने सिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमने कुरान पाक सुनने की सआदत हासिल की। और इसी तरह अल्लामा आबिद मदनी साहब उन्होंने बयान फरमाया और बयान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाया। मस्जिद का निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज से चल रहा है। हमारे मस्जिद कमेटी के जो मेंबरान हैं अच्छे अंदाज से मस्जिद के निज़ाम को लेकर चल रहे हैं। इसी तरह पूरी महफिल का भी निज़ाम अच्छे अंदाज से चला। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम इस मस्जिद को तादेर क़यामत तक आबाद फरमाए और इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं जो एहतिकाफ़ में बैठने वाले हैं उनके इल्म में भी बरकतें अता फरमाए। इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह 48 बच्चे जो हैं वो एहतिकाफ़ में बैठे हैं और आज ही उनका टेस्ट भी हुआ था। जो कुछ उनको सिखाया गया, मसाइल सिखाए गए, जो इल्मे दीन उनको सिखाया गया, तो उनसे टेस्ट लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चों ने पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन भी हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह उनको इनामात से भी नवाजा। एहसान है जिसने ज़िंदगी में हमें एक बार फिर माह रमज़ान मुबारक की बाबरकत सआदतें नसीब फरमाई और इस महीने की आखिरी अशरे की ताक रात 27वीं शब कदर कहा जाता है। अल्लाह ताला ने हमें नसीब फरमाई और इसकी हम सबको बरकतें नसीब फरमाई। सब गुजारे इनके साथ।